हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गरबा खेलने। आज गरबा का सेकंड डे, थर्ड डे है, तो हम जा रहे हैं गरबा खेलने क्योंकि मेरा ऑफ था और पता नहीं बाद में कब टाइम मिलेगा। तो आज हमने सोचा कि खेल कर आते हैं, क्योंकि लास्ट डेज में वैसे भी काफ़ी रश हो जाता है, स्टार्टिंग डेज में थोड़ा खाली खाली मिलता है, तो खेलने का मज़ा भी आता है। देखो फोकस कैसे उस पर जा रहा है। तो ये है मेरा आउटफिट और ये है बाबू भी यहाँ पीछे रेडी हो रही है। तो हम अभी रेडी हो रहे हैं, रेडी होके हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे ज्वेलरीज पहनेंगे, मेकअप करेंगे एंड देन हम फिर जाएंगे खेलने के लिए। हम दिखेंगे, बहुत काले काले दिख रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं गरबा के लिए और सोमू भी हमें ज्वाइन करने वाली है, वो रास्ते में, वो डायरेक्ट ऑफिस से आ रही है, तो हमें वही डायरेक्ट मिलेगी। तो गरबा खेलने के लिए हम जा रहे थे ऑरेंज गार्डन, जो कि ऑरेंज हॉस्पिटल का ग्राउंड है एक्चुअली, जो मीरा रोड में ही है और फ्री एंट्री है। तो हम कुछ 8:30 के आसपास यहाँ पहुँच गए थे और उस वक्त यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं था, काफ़ी स्पेस था, कम लोग थे, तो इसलिए हम अच्छे से फ़ोटोशूट कर पाए। हम फ़िलहाल सोमू का वेट कर रहे हैं कि क्योंकि वो अभी तक आई नहीं है, वो रास्ते में, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको लुक दिखा दें। तो चलिए अच्छे से फ़ोटोशूट करते हैं और आपको लुक भी दिखा देते हैं। मुझे खेलती हुई ऐसे गरबा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी, तो मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया और अब हम जा रहे हैं पंडाल की तरफ माता रानी के दर्शन करने। हैं
दिन हम गए थे उस दिन रेड कलर थीम था, तो ज़्यादातर लोग रेड कलर ही पहन के आए थे। बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे। यहाँ पे प्राइजेस भी रखे जाते हैं ग्रुप को और सोलो को, तो बाबू को भी प्राइज मिला। क्या मीरा रोड इनके टिकट प्राइस तसच अपन या सगळ्यांचा सन्मान करणार आहोत, पण जे ग्रुप्स आहेत त्यांना देखील तो प्रीति पिंक की बहुत ही फेमस गरबा सिंगर्स हैं। इनके इवेंट्स होते हैं गरबा के टाइम पे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। लोग जाते हैं, बहुत अच्छे से गरबा खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, और हमें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप देख सकते हैं कि रश इतना ज़्यादा है कि ग्राउंड में जगह ही नहीं है और लोग फूड कोर्ट में आके खेल रहे हैं। तो ये मेरा थर्ड डे था गरबा का, और अब खेलते खेलते मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी प्रो हो चुकी हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं लोगों को देख देख के सीख ही रही थी और बहुत स्लो खेलती थी। और अब ये थर्ड डे जब मैंने खेला तो मैंने हर किसी को कॉपी किया, बहुत अच्छा खेला। इवन लोग भी मुझे कहीं कहीं कॉपी कर रहे थे, तो मुझे वो अच्छा लगा। Are you ready? I'm a guy, nazaron ke anjaane ek jahan.